गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमारा जो बुक है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक 3, और इसका पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है हमारा कंपनी का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इसमें हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बैलेंस शीट एक ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। तो बैलेंस शीट में हमने लिया कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट में टू बैलेंस शीट डेट पे हमने डेटा लिया, वन इज़ फॉर 2021, अनदर वन इज़ फॉर 2022, और हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में हमें पहले निकालना होगा, कंपैरेटिव बना रहे हैं नाम से भी पता चल रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट चेंज फ्रॉम ईयर वन टू ईयर टू। तो ये हमारा 20 लाख है, ये हमारा 21 लाख है, तो चेंज है आपका 1 लाख, फिर 2 लाख, 230, दैट इज़ 30 लाख, फिर है हमारा 2 लाख एंड 5 लाख 60 थाउजेंड, तो 2 लाख 60 थाउजेंड, उसके बाद है हमारा 1 लाख एंड 2 लाख 80 थाउजेंड, तो 1 लाख 80 थाउजेंड, और हमें ये सारी चीज़ें कंपेयर करनी है ना, हॉरिजॉन्टली माइनस करना है। एब्सोल्यूट चेंज है, तो अगर डेटा 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर में डेटा अगर आपका ज़्यादा है तो आप माइनस में उसे लिखेंगे, परसेंटेज भी माइनस में आप नोट करेंगे। पॉजिटिव डेटा है तो यानी कि जो करंट ईयर है उसका डेटा ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव आता चला जाएगा। ये हो गया 25 लाख टोटल, और ये हो गया 31 लाख 70 थाउजेंड, तो टोटल का डिफरेंस है 6 लाख 70 थाउजेंड, फिर 20 लाख 21 लाख, टू लैख 21 लैख, अगेन 1 लैख का डिफरेंस है आपका, देन वी आर हैविंग 2 लैख 3 लैख, तो डिफरेंस इज ऑफ 1 लैख, फिर हमारे पास है 2 लैख 5 लैख 60 थाउजेंड, तो ये 3 लैख होगा, 3 लैख 60 थाउजेंड, देन वी आर हैविंग 1 लैख एंड 2 लैख 10 थाउजेंड, तो 1 लैख 10 थाउजेंड, और टोटल हमें पता ही है बैलेंस शीट का एसेट और लाइबिलिटी का टोटल हमेशा सेम होता है, तो सेम टोटल पे आपका जो डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा 6 लैख 70 थाउजेंड। ठीक, उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज डिफरेंट आइटम्स की, तो देख लेते हैं परसेंटेज में क्या करेंगे। हम लेंगे एब्सोल्यूट चेंज दैट इज़ 1 लैख, अगर मैं पहले आइटम की बात करूं 20 लैख अपॉन में रखेंगे आप, इसी के रेफरेंस में परसेंटेज निकालनी है। ये हमारा बेस ईयर है तो बेस हमेशा यही लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 2 ज़ीरो बढ़ा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5%, तो ये होगा हमारा 5%। ठीक, ऐसे ही आप सारी चीज़ों के परसेंटेज कैलकुलेट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 2 लैख 30 थाउजेंड, तो 30 थाउजेंड अपॉन 2 लैख इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, 2 अपॉन 30, दैट इज़ 15%, तो ये होगा हमारा 15%। देन वी विल बी हैविंग 36 थाउजेंड अपॉन 2 लैख इंटू 100, 18%, ये आपका 18% है। उसके बाद आप निकालेंगे, नहीं नॉट 18, एक्चुअली दिस इज 3 लैख 60 थाउजेंड, 10 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 180%। उसके बाद आपके पास है डेटा 1 लैख एंड 1 लैख 80 थाउजेंड, तो ये भी ज़्यादा आएगा, 1 लैख 80 थाउजेंड अपॉन 1 लैख इंटू 100, तो वी विल बी हैविंग 180% अगेन, ये आपका कैलकुलेटेड डेटा है। ऐसे ही आप करेंगे 6 लैख 70 थाउजेंड अपॉन 25 लैख, और ये आएगा हमारा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये आएगा हमारा 26.8%।
अब सेम वैसे ही ये फिगर हमारे पास पहले भी था, 20 लाख अपॉन 1 लाख, इट इज़ गोइंग टू बी 5%। अगेन वी आर हैविंग 2 लाख, 1 लाख अपॉन 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 50% है हमारा इसमें, कोई नहीं है। इट्स टेंजिबल एसेट्स 20 लाख एक्चुअली, तो 20 लाख अपॉन 1 लाख, अगेन 5% इट विल बी, कोई इशू नहीं है। टेंजिबल इनटेंजिबल नहीं, वो 2 ही है, 2 लाख 1 लाख, तो 50% वी आर हैविंग, देन 3,60,000 अपॉन 2 लाख, 3,60,000 अपॉन 2 लाख, सेम आइटम दैट इज 180। और ज़रूरी नहीं है ये सेम आए हर बार, फिर आपके पास 1 लाख एंड 1,10,000, तो डायरेक्ट ये हो गया आपका 110%। और ये सेम आएगा आपका, क्योंकि टोटल सेम थे, डिफरेंस सेम था, 26.8%। तो हमने करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली एक बार और मैं बता देता हूँ, हमने बैलेंस शीट में जो ईयर दिया होगा वो 22 पहले लिखा होगा और 21 बाद में लिखा होगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जो प्रीवियस ईयर है हमारा, पुराना जो साल है, वो पहले लिखा जाएगा, और इसे हम बोलते हैं बेस ईयर। जो हमारा लेटेस्ट ईयर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ये चेंज हमें करना होता है जब हम क्वेश्चन से बोर्ड पे या नोटबुक में चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो बाद वाला ईयर होता है उसे कहते हैं आप करंट ईयर। फिर आप लेते हैं एब्सोल्यूट चेंज, उसका मतलब होता है करंट ईयर में से बेस ईयर की वैल्यूज़ को माइनस करना है, वो यहाँ ले आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर की वैल्यू इन 200, और जो भी परसेंटेज आप आए अलग 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 आइटम्स की अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि टोटल करके इसकी परसेंटेज निकाल लें, नहीं, ये सारी परसेंटेज रेफरेंस में निकलेंगी ऐसे ही। वी आर कंपेयरिंग, तो कंपेरिजन के लिए हमारे पास 2 साल का कम से कम 2 यूनिट डेटा होना चाहिए, या तो डिफरेंट कंपनी का हो या तो डिफरेंट ईयर्स का हो। तो हमारे पास डिफरेंट ईयर का डेटा है, हमने उसको कंपेयर किया, तो यही है हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट। इस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा, और बैलेंस शीट आपने देख ही लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये था हमारा कंपेरेटिव। तो कॉमन साइज में मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे क्या। थैंक यू।